बात करेंगे मध्य प्रदेश की ही, जहां गौरी शंकर शेजवार की भाजपा में वापसी होने वाली है। पूर्व मंत्री आज भाजपा की सदस्यता लेंगे। प्रभुराम चौधरी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद बनाई थी पार्टी से दूरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिलाएंगे इनको सदस्यता। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, आपको बता दें, आज इनको सदस्यता दिलाने वाले हैं और एक बार फिर से घर वापसी कह सकते हैं। गौरीशंकर सेजवार की भाजपा में वापसी हो रही है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके से आज घर वापसी से कह सकते हैं, क्या कुछ पूरी तरीके रणनीति बनी होगी जिसके बाद वापस घर वापसी हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो गौरीशंकर शेजवार की आज वापसी हो रही है। बात करें तो बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उमा भारती के काफी करीबी रहे थे, लेकिन अगर हम दिखाएं तो बड़े पदों पर रहे, मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहने के साथ साथ मध्यप्रदेश के वन मंत्री रहे हैं, और क्योंकि एक ही विधानसभा से प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर सेजवार आते थे, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सिंधिया के भाजपा में आने के बाद में, उस समय प्रभुराम चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे और मंत्री पद उनको मिल गया था स्वास्थ्य मंत्री का, और गौरीशंकर सेजवार हाशिए पे चले गए थे। तो ये पूरी की पूरी जो राजनीति थी सांची विधानसभा की, रायसेन जिले की, वो शिफ्ट हो गई थी प्रभुराम चौधरी पे, और यही कारण था कि उसके बाद गौरीशंकर सेजवार और उनके बेटे मुदित सेजवार की पार्टी के प्रति नजर आने लगी थी और सोशल मीडिया पर वो मुखर भी हुए थे। लेकिन पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल थे, और अब एक बार फिर एक बड़ी मुहिम भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेताओं की वापसी की चला रही है, और उसी के अंतर्गत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उनके निवास पहुंचेंगे और उनके निवास पर ही भारतीय जनता पार्टी की उन्हें दोबारा सदस्यता दिलाएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा बनाया है उस पर तो पार्टी काम कर ही रही है, लेकिन अगर हम गौरीशंकर की बात करें तो जिस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिली थी प्रभुराम चौधरी के वक्त में, तो क्या लगता है इनके वापसी के बाद वापस वो समन्वय बैठ पाएगा? क्योंकि ये एक बार नाराजगी अपनी वैसे ही दिखा चुके हैं पार्टी के फैसले पर। बिल्कुल, लगातार उनकी नाराजगी बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की पटरी बैठेगी, क्योंकि प्रभुराम चौधरी भी अभी भी वर्तमान में भी विधायक जो हैं वो हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। गौरीशंकर से बेटे देख रहे थे भाजपा में, लेकिन प्रभुराम चौधरी के आने के बाद उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। अब ये जो नाराजगी है इसको कैसे सेटल किया जाएगा? क्या गौरीशंकर सेजवार को कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी? को मंत्री नहीं बनाया था, मंत्री नहीं बनाने से वो कद प्रोग्राम चौधरी का नहीं रहा जिससे जिले में वो दबदबा कायम कर सके, और ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें थोड़ा सा सेजवार वापसी कामयाब नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उनको खुद प्रदेश अध्यक्ष या सदस्यता दिला रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका कदम मायने रखेगा, और वापसी के बाद कहीं ना कहीं पिता पुत्र की ये जोड़ी हो सकता है भाजपा में सक्रिय नजर आए और वो जो दबदबा प्रभुराम चौधरी ने बनाया था उसको कम करने की एक बार फिर कोशिश करे। लेकिन इन दोनों के बीच टकराव कम होगा इसकी उम्मीदें कम है। जी दोनों के बीच टकराव कम होगा, उम्मीदें कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।